हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन इन आवर विलन्स लॉकडाउन सीरीज। तो हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे। करंट अफेयर्स में कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी जिसके कारण से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ पाई थी। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज। कंटिन्यू करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं डाउट क्लियरेंस के लिए। इसके अलावा ये हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक मिल जाएगी और अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दिस क्लास। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। और सबसे पहला डिस्कशन जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो देखिए, सबसे पहला यहाँ जो टॉपिक देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ब्लैक कार्बन से रिलेटेड। ब्लैक कार्बन के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, वी हैव कार्बन दो तरीके के होते हैं। एक को बोला जाता है ब्लैक कार्बन, दूसरे को बोला जाता है ब्राउन कार्बन। ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जामिनेशन में। पहले ब्लैक कार्बन के बारे में अगर बात किया जाए तो ब्लैक कार्बन जो होता है वो जब कंप्लीट कंबस्चन नहीं हो पाता है, यानी ये होता है इनकम्प्लीट कंबस्चन और उसके कारण से बनता है हमारा ब्लैक कार्बन। ब्राउन कार्बन वो होता है जहां पर कंप्लीट कंबस्चन हो जाती है, दिस इज कंप्लीट कंबस्चन। और इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके मिलते हैं, यानी ब्लैक कार्बन इज वेरी डेंजरस, काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण ही काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहता है और इस वजह से ये क्लाइमेट चेंज का काफी बड़ा एक सोर्स है, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बन जाता है। इनफैक्ट दिस इज सेकेंड बिगेस्ट फैक्टर है और किसके बाद? आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के बाद ये सेकेंड बिगेस्ट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, दिस इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी समय तक ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहां पर ब्लैक कार्बन के साथ थोड़ी सी राहत है, क्योंकि जो ब्लैक कार्बन होता है ये ब्लैक कार्बन ज्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाता है, दिस इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए केवल ये रह पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि ब्लैक कार्बन जो होता है ये एक हाइग्रोफोबिक सोर्स बन जाता है। हाइग्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से एक पार्टिकल मिल जाता है जिसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल चिपकने के बाद होता क्या है कि रेनफॉल के फॉर्मेट में डाउन हो जाते हैं, रेनफॉल के फॉर्मेट में नीचे गिर जा रहे होते हैं। एंड दिस इज हाउ जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं या ब्लैक कार्बन होते हैं वो एटमोस्फियर से उतर करके जमीन पर आ जाते हैं। वहीं जो ब्राउन कार्बन के बारे में बात करें तो ये तो कंप्लीट कंबस्चन हो जाती है तो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, बट ब्लैक कार्बन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इस करंट अफेयर्स के बारे में तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द साइंटिस्ट एट वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। हम लोग सारे इंस्टीट्यूट के लिए मैंने आप लोग को बोला है कि लास्ट में मैं एक वीडियो दे दिया करूंगा जिससे आपके सारे इंस्टीट्यूट एक साथ ही एक जगह पर डिस्कस कर लेंगे, इससे आपको रिविजन करने में भी आसानी हो जाएगी और एक क्लैरिटी रहती है। तो यहां पर क्या है कि स्टडी किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन नियर द गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है, रोज 400 टाइम्स इन अ समर ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड स्टबल बर्निंग इन एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड ट्रिगर ग्लेशियर मेल्टिंग। अब यहां पर देखिए, ब्लैक कार्बन मटेरियल आ गया है और ब्लैक कार्बन मटेरियल आया कहां कहां से है? पहला सोर्स बताया गया फॉरेस्ट फायर की वजह से, तो फॉरेस्ट फायर भी यहां पर काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरा बताया गया है कि यहां पर स्टबल बर्निंग की वजह से हो जा रहा है। स्टबल बर्निंग का मतलब कि यहां के लोग जो वही काट देते हैं, गेहूं वगैरह की फसल जो काट देते हैं, जला देते हैं, उसके कारण से भी ब्लैक कार्बन उड़ उड़ करके आता जाता है। होता क्या है, मान लीजिए दिस इज द ग्लेशियर, ये माउंटेन है जिस पर ग्लेशियर है और यहां पर मान लेते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहां पर क्या होता है कि इस ग्लेशियर पे ब्लैक पार्टिकल आ करके इस पे चिपक गए हैं। ब्लैक कार्बन जब चिपक जाएंगे तो क्या होगा, जब भी ये सन की एनर्जी लेगा तो ब्लैक कार्बन, क्या मैंने बोला कि एनर्जी एब्जॉर्बर है, तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो आइस से क्या होती है कि 90% से ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है ऑन दैट स्पॉट, यानी कि एल्बिडो के फॉर्मेट में निकल जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी आइस अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन अगर ब्लैक कार्बन की बात करें तो एनर्जी एब्जॉर्बर, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि अब आइस के ऊपर जो ये ब्लैक सूट पार्टिकल्स हैं ये अब एनर्जी सोर्स बन गए हैं। अब ये बर्फ को लगातार पिघलाना शुरू कर देंगे, लगातार बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, वाटर जो होता है वो लगातार
रिवर के फॉर्मेट में जाना शुरू हो जाएगा और ये एक फ्लडिंग की प्रॉब्लम बन सकती है। तो वन इज डिजास्टर आ सकता है, यहां पर डिजास्टर प्रोन एरिया बन जाएगा, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्यों हो गई कि यहां पर ग्लेशियर की मेल्टिंग हो जाती है और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ी कह लीजिए प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द होल थिंग वी हैव डिस्कस्ड, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जितने भी मैटर हम लोगों ने डिस्कस किए वो आप लोग एक जगह पे लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स है 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव इन ओडिशा। अब देखिए अगर बात करते हैं, अगर हम लोग पूरे इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में अगर वाटर अवेलेबल सोर्सेज के बारे में बात करें तो वो है नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है, उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबल है हमारी है रिवर्स, जो कि पेरेनियल से मतलब कि वो ग्लेशियर से निकल रही होती है और कंटिन्यूअसली बनी रहती हैं। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन, मतलब कि वाटर अवेलेबिलिटी के फॉर्मेट में काफी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में रहता है। लेकिन अगर वही बात करते हैं हमारे पेनिनसुलर इंडिया में तो यहां पर वाटर की शॉर्टेज है, स्कियर्सिटी है, प्रॉब्लम है। वाई? क्योंकि यहां पर ये सारी की सारी है रेन फेड रिवर्स और रेन फेड रिवर्स होने के कारण से यहां पर हमेशा साल भर पेरिनियल फॉर्मेट में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। अब इसका होगा क्या, यानी वी हैव टू मैनेज द वाटर रिसोर्स, तो यहां पर मैनेजमेंट करने का काम आ जाता है। मैनेजमेंट करने के लिए नंबर ऑफ चीजें हैं, जैसे एक चीज है वाटरशेड मैनेजमेंट कर देना, लेकिन ये क्या है टाइम टेकिंग और दूसरा कॉस्टली है, तो ये कॉस्टली है। और वैसे भी यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई एक जगह पे वाटर आप इकट्ठा कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, तो उसके पॉल्यूट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये वाटर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पॉल्यूट हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा वाटर मैनेजमेंट करना है जो लगातार फ्लोइंग नेचर में हो। तो इस फ्लोइंग नेचर में जब वाटर की मैनेजमेंट की गई तो उसमें कहा गया कि यार स्प्रिंग्स आर द बेस्ट वे, स्प्रिंग क्रिएशन करिए। स्प्रिंग क्रिएशन का मतलब क्या है कि आप फव्वारे के फॉर्मेट में वाटर की अवेलेबिलिटी कराइए, इससे क्या होगा इफिशियंट तरीका भी अपनाया जाएगा वाटर अवेलेबिलिटी का, और दूसरा ये फ्लोइंग नेचर में रहेगा जिससे कि वाटर की जो पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम है इसको भी हम लोग सॉल्व कर ले। और इसी स्प्रिंग मेथड से हम लोगों ने मतलब कि गवर्नमेंट ने ओडिशा में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने ओडिशा में 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव की लॉन्च किया गया है। द 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव एम्स एट इंप्रूविंग एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेट वाटर फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन अ डिफिकल्ट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ रूरल एरिया इन द कंट्री। अंडर दिस इनिशिएटिव मोर देन 70 यंग ट्राइबल्स फ्रॉम द रूरल बेल्ट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, कौन कौन से हैं, कालाहांडी हो गया, कंधामल हो गया और गजपति, हैव बीन ट्रेन्ड एज बेयरफुट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बाय कंबाइनिंग ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक नॉलेज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड अंडरटेकन रिजुविनेशन ऑफ प्रोटेक्शन मेजर्स। ये सब चीजें। अब इसमें खेल क्या है, एक तो हो गया कि वाई स्प्रिंग्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड, ये पता लग गया, और 1000 स्प्रिंग्स से मतलब अच्छी खासी वाटर अवेलेबिलिटी कराने की कोशिश की जा रही है जो कि डिफिकल्ट एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ रूरल एरिया में रह रहे हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है केवल कंस्ट्रक्शन बना देना, इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पोस्ट इंस्टॉलमेंट कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे रख रखाव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट करना। तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको हर एक इलाके के बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, लोकल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब लोकल जो होंगे वो काफी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे बजाय कि आप अलग से इसको चीजों को इंस्टॉल करें, अलग से लोगों को यहां पर इंप्लॉय करके रखें। तो लोकल्स को आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, पहली चीज ट्रेनिंग आपने दे दिया, चलिए ठीक है। यहां पर देखिए वही कालाहांडी और इस तरह के विलेजर्स से लोगों को, लोकल्स को उठा करके ट्रेन करके, फिर उसके बाद कहा गया है कि पानी में स्प्रिंग में जो ये फवारे उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो भैया बता देना। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, मान लीजिए इनकेस ये अगर खराब हो भी जाता है तो ये लोग बताएंगे कैसे, व्हाट विल बी द कम्युनिकेशन मेथड, कम्युनिकेशन मेथड कैसे अपनाया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ऐसा है, नाउ वी आर इन द टेक्नोलॉजी एडवांस एज, तो हम लोग क्या करेंगे जीआईएस का यूज करेंगे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। इसमें होता क्या है कि आपको फोटो क्लिक करनी होती है और फोटो क्लिक करके जैसे ही आप जीआईएस पे अपलोड करेंगे वैसे ही अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपने आप जा करके उस लोकेशन पे सेट हो जाता है। अब इससे क्या होता है, जो भी ऊपर के दौर में, ऊपर के एरिया में, ऊपर के ऑफिसर जो हैं, जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी के रूप में बैठे हुए हैं, वो इनकी ग्राउंड लोकेशन पता चल जाएगी और अकॉर्डिंगली दे कैन एक्ट, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम संभाला जा सकता है। तो ये हुआ पूरा का पूरा आर्टिकल के बारे में, पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के बारे में, 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव के बारे में।
क्लैरिटी आ गई क्या चीज है, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है डूम्सडे वॉल्ट के बारे में है। डूम्सडे का मतलब क्या होता है? डूम्सडे का मतलब होता है जिस दिन आपको वॉर लड़ने जाना है। जैसे कई लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स होती है वो डूम्सडे होती है, कहा जाता है दिस इज द डूम्सडे। ठीक है, तो खैर डूम्सडे का मतलब ये होता है जिस दिन आपकी बेसिकली एग्जामिनेशन होने जा रही है। यहां पर खेल क्या है कि यहां पर फिलहाल चल रहा है क्लाइमेट चेंज का पूरा सीन, ग्लोबल वार्मिंग का केस चल रहा है, इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन का केस चल रहा है। इन सब केसेस के कारण से हो क्या रहा है कि जो इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स हैं वो लगातार खत्म होती जा रही हैं। तो जो इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स हैं इनको बचा के रखने के लिए इनका क्या किया गया है, जेनेटिक प्रिजर्वेशन किया गया है। जेनेटिक प्रिजर्वेशन कि इन केस फ्यूचर में अगर हम लोग जीन्स वगैरह डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे क्या है क्रिस्पर कैस नाइन, हम लोगों ने एक टेक्निक यूज की है क्रिस्पर कैस नाइन, लेकिन अभी भी क्या है इस पर डेवलपमेंट ही चल रही है। इन केस अगर हम लोग डेवलप कर जाते हैं तो हम लोग इन सारे जीन्स के इस्तेमाल से जो भी इंडेंजर्ड इंस्टिंक्ट या कुछ भी अगर मान लीजिए कोई विलुप्त क्रॉप हो गई है तो हम लोग उसको वापस से बना सके। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रॉप को आपको पहले कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर करके रखने का मतलब है कि इसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब कि इसको खराब होने से बचना है ना, खराब होने नहीं देना। खराब नहीं होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को आपको किसी तरीके से या तो खत्म कर देना है या फिर काफी हद तक इसको रिड्यूस डाउन कर देना है, जिससे कि इसमें एजिंग ना हो पाए। एजिंग नहीं होगी तो सीधी सी बात है इसके खराब होने का डर भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए ऑप्शन एक तरीका होता है क्रायोजेनिक इंजन में रखना। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है, सुपर कूल्ड इलाके में इसको रखा जाएगा। -18 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एक टेम्परेचर होता है। अब देखिए अगर आपको इस तरीके का प्रोटेक्शन करना है, क्रॉप्स को रखना है, उसके लिए आप क्रायोजेनिक कंडीशन में रखेंगे। क्रायोजेनिक में जो गैसेस यूज की जाती हैं, वो गैसेस जो होती हैं वो ओजोन डिप्लीशन की गैसेस होती हैं। अगर ओजोन डिप्लीशन की नहीं भी रहेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस निकल जाएंगी। तो या तो आप एक तरीके से अगर किसी को बचा रहे हैं तो दूसरे तरफ आप इन्वायरमेंट को और खराब भी करते जा रहे हैं। अब क्या किया जाए, अब इसके लिए ये कहा गया कि देखो ऐसा है, वाई आर वी लुकिंग फॉर सम रेफ्रिजरेटर, हम लोग रेफ्रिजरेटर क्यों देख रहे हैं, नेचुरल रेफ्रिजरेटर के पास चलते हैं। अब ये नेचुरल रेफ्रिजरेटर क्या है, नेचुरल रेफ्रिजरेटर का मतलब है कि नॉर्वे जो विच इज अ पोलर एरिया, यहां पर सुपर कूल टेम्परेचर पाया जाता है। नॉर्वे और यहां पर आता है ग्रीनलैंड, इन दोनों के बीच में नॉर्वे के टेरिटरी मतलब नॉर्वे की सॉवरेनिटी के अंडर में एक छोटा सा आइलैंड आता है जो कि नॉर्थ पोल के इलाके में आता है। इसका नाम है सवालबार्ड, दिस इज सवालबार्ड। सवालबार्ड में क्या है कि टेम्परेचर अपने आप -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना रहता है फॉर द पूरे साल भर के लिए बना होता है। अभी क्या है कि आपको ये काम, ये जो रेफ्रिजरेटर खोजने की जरूरत थी, अब इसको खोजने की जरूरत नहीं है। आप सवालबार्ड में लेकर के जाएंगे और वहां पर क्या है अपना एक डूम्सडे वॉल्ट, मतलब कि वहां पर एक पूरा का पूरा एक तिजोरी बना देंगे, वहां पर जाकर के अपना एक बॉक्स बना देंगे और उसी बॉक्स में ले जाकर के सारे जितने भी क्रॉप्स की, इंडिजिनस क्रॉप्स की जो भी सीड है, उन सारे सीड्स को ले जाकर के यहां पर रखा जा सकता है और इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। डूम्स रिवॉल्ट में अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स में यह है कि अगर मान लीजिए किसी भी वजह से अगर कोई क्रॉप खत्म हो जाती है, नहीं रहती है, या फिर कंडीशन हमारी जो इस समय से चल रही है, जैसे फेमाइन कंडीशन भी इन केस फ्यूचर में अगर आती है, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं, अगर आती है देन वी कैन यूज दीज सीड्स फ्रॉम देयर और इस चीज को हम लोग वापस से डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया। डूम्स रिवॉल्ट में देखिए सवाल वार्ड ग्लोबल सीड वार्ड रिफर टू एट अर्थ डूम्स रिवॉल्ट now contain about 1.05 million seeds. The aim of the vault is to preserve a vast variety of crop seed in the case of a doomsday event, calamity event, kuch bhi agar hota hai to hum log use kar sakte hain. The sample stored in the gene bank will in most cases be accessible in accordance with the terms and condition of the international, this is important, international treaty on plant genetic resource by for food and agriculture approved by 180 countries. Aur isme India bhi part hai, theek hai. ये पूरा का पूरा हम लोगों ने डूम्सडे वॉल्ट के बारे में बात किया। आगे बात करते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है रेड स्नो के बारे में। देखिए यहां पर हम लोगों ने ब्लैक कार्बन के बारे में बात किया जो कि अगेन स्नो से ही रिलेटेड था। सिमिलरली ये रेड स्नो भी हमारे करंट अफेयर्स से मतलब कि इसी क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा था कि जो यहां पर ग्लेशियर था
जो भी उसके ऊपर में ब्लैक कार्बन चिपक जा रहा था, जिससे कि एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही थी और अल्टीमेटली जो ग्लेशियर है वो पिघल जा रहा था, और अल्टीमेटली इस तरीके से जो वाटर की प्रॉब्लम थी, फ्लडिंग प्रॉब्लम थी इनलैंड वाटर की, वो सारी की सारी डिजास्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रही थी। सेम यहां पर भी वही सारा केस है। एंटार्क्टिका में क्या है, पूरा का पूरा इलाका ग्लेशिएटेड है। इस ग्लेशिएटेड रीजन में क्या हुआ है कि रिसेंट में रेड स्नो देखने को मिली है। ये रेड स्नो देखने को मिली है क्यों, क्योंकि एल्गी क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए ये अपना कलर रेड शो करना शुरू कर दिया है, एंड दिस रेडनेस इज बिकॉज ऑफ दिस एल्गी। लेकिन इसके कारण से क्या होती है, एनर्जी इसकी बढ़ जा रही है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जा रही है, सनलाइट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जा रही है, जिससे क्या है कि अब यहां जो आइस है वो पिघलना शुरू कर दी है, मेल्ट डाउन होना शुरू कर दी है, और यहां पर जो फ्लड आएगी वो फ्लड नहीं आएगी, यहां पर होगा सी लेवल राइज। और इस सी लेवल राइज से क्या होगा कि छोटे छोटे हमारे जितने आइलैंड ग्रुप्स हैं वो आइलैंड ग्रुप अब डूबना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट बहुत सारे आइलैंड ग्रुप ऐसे हैं जो डूबना शुरू भी कर दिए हैं, जैसे हवाईयन का हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, मॉरिशस का हो गया, मालदीव का हो गया, तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो इस समय पिघलना शुरू भी कर दिए हैं। तो इस वजह से हमें काफी कुछ देखने की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस सेक्टर में कुछ नहीं कर सकते हैं। What we can do, हम लोग केवल अदर जो सेक्टर्स हैं जहां पर भी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट ये जो रेड स्नो है जो एल्गी के कारण से, हम लोग इसके बारे में कुछ भी हम मतलब नहीं सही कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये पूरा हम लोगों ने इसके बारे में देखा। इनफैक्ट अरिस्टोटल ने बोला, अरिस्टोटल इज बिलीव टू बी वन ऑफ द फर्स्ट टू गिव अ रिटन अकाउंट ऑफ रेड स्नो ओवर 2000 ईयर्स अगो। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको एक अरिस्टोटल की कहानी बताने के लिए कि पहले ये भाई साहब इतना ज्यादा सोच रखे थे कि सब कुछ पहले से ही पता करके रखे हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बायोफ्यूल फ्रॉम एल्गी। बायोफ्यूल के बारे में हालांकि हम लोगों ने पुराने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, अब यहां पर केस ये है, बायोफ्यूल के बारे में बता देता हूं। बायोफ्यूल क्या होती है, एक तरीके की नई तरीका होता है, नया फ्यूल है, नए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, विच इज नॉट एक्चुअली पेट्रोल। ये हम लोग इसको डेवलप कर रहे होते हैं, बायोलॉजिकल तरीके से इसको डेवलप कर रहे होते हैं, और इसको हम लोग देख सकते हैं हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस के दौरान में। ये हो गया रिन्यूएबल नॉन ट्रेडिशनल सोर्स, ठीक है, जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग अपने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, या फिर कह सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम लोग कर सकते हैं। जो बायोफ्यूल होती है वो बेसिकली चार तरीके की होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो फूड क्रॉप से मिलकर बनी होती है। फूड क्रॉप का मतलब हो गया जैसे शुगर केन हो गया, वीट हो गई, राइस हो गई, ठीक है, तो इन सब चीजों से। इससे क्या होती है, इससे अगर यूज करते हैं तो हमारी जो फूड्स होती है वो काफी ज्यादा खत्म होने का चांस काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि फूड को खाने में यूज करें या फिर उसका बायोफ्यूल बनाए ये दिक्कत हो जाती है। दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब हो गया क्या, जैसे गेहूं हो गई, वीट हो गई, तो वीट के वेस्टेज से हो गया, राइस के वेस्टेज से हो गया। इसके अलावा जो भी ऑयल वगैरह जो भी यूज की गई है, उस यूज्ड ऑयल को जिसमें की कह लीजिए कि काफी ज्यादा एसिडिक हो जाती है, उस ऑयल का हम लोग यूज कर सकते हैं इस सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को बनाने के लिए। थर्ड जनरेशन जो होती है वो होती है एल्गी की मदद से जब बनाया जाता है, तो दिस इज द थर्ड जनरेशन जहां पर एल्गी की मदद से, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह की मदद से हम लोग बायोफ्यूल बना रहे होते हैं। फोर्थ जनरेशन लास्ट आती है। फोर्थ जनरेशन के लिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा था कि आप लोग बताइएगा फोर्थ जनरेशन क्या होती है। फोर्थ जनरेशन देखिए अभी रिसेंट में न्यूज में रही थी, इसलिए हाई चांस आर देयर कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। फोर्थ जनरेशन होती है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी की मदद से बनी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होती है, बायो इंजीनियरिंग की जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी बनाया जाता है, और उसके कारण से, उसकी वजह से, उसके तरीके से बायोफ्यूल जनरेट किया जाता है। सेकेंड जनरेशन फ्यूल के बारे में बताएं तो यही अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी पर फोकस कर रही है, काम कर रही है। इसके लिए पंजाब में दो जगहों पर बायोफ्यूल के लिए, मतलब सेकेंड जनरेशन इथेनॉल के लिए, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल के लिए यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी लगा दिए गए हैं, जहां पर ये काम स्टार्ट हो चुका है, इसमें काम चल रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है बायोफ्यूल के बारे में। अब देखिए यहां पर करंट अफेयर सिर्फ यही है कि बायोफ्यूल के लिए कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग अ मेथड टू इंप्रूव द ग्रोथ रेट एंड शुगर कंटेंट ऑफ ए मरीन साइनोबैक्टीरियम, और ये एक बैक्टीरिया का नाम दिया गया, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। केवल और केवल इंपॉर्टेंट यही है कि फिलहाल में इस बॉडी का काम क्या है, ये बॉडी कर क्या रही है, और इसकी बेसिक्स के बारे में, बायोफ्यूल के बेसिक के बारे में, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बारे में। क्लियर हो गया क्या चीज है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का ये सेक्शन क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कुछ एस्ट्रोनॉमिकल
डेवलपमेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल करंट अफेयर्स है, उसमें आज हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे एस्टेरॉयड के बारे में। सारे के सारे एस्ट्रॉयड रिलेटेड मैंने करंट अफेयर्स लिया हुआ है यहाँ पर। एस्ट्रॉयड से पहले आप लोग को बता दिया जाए कि क्या होता है कि हमारे यहाँ सोलर सिस्टम में कई सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज में जैसे एक होती है जो स्टार होती है, ऑलरेडी आप लोग को पता है स्टार के बारे में, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा होते हैं जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट भी आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं, और ये सैटेलाइट्स दो तरीके की होती हैं। एक होता है जो आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल का मतलब जो मैन मेड हम लोग बना करके फिर भेज रहे होते हैं इनसेट जीसेट के फॉर्मेट में। दूसरा होता है जो नेचुरल होती है, जो नेचुरल सैटेलाइट होती है जैसे मून हो गया, जो उपग्रह वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये सब जितने भी हैं वो नेचुरल हो जाते हैं, जैसे यूरोपा हो गया, गैनिमेडे हो गया, मून हो गया। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर व्हिच आर नेचुरल, व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज हो जाती हैं। सेलेस्टियल बॉडी जैसे एक होती है जिसको बुलाता है एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड के द्वारा अलावा होता है मीटियोरॉयड, मीटियोरॉयड के अलावा क्या होती है कॉमेट। तो हमारे पास ये बेसिकली तीन और एलिमेंट्स हो जाते हैं, तीन और तरीके हो जाते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होता है, ये भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं और बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो डस्ट भी हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, और आइस की भी शीट्स हो जाती हैं, आइस की भी इसमें कण पाए जाते हैं। मीटियोराइड में क्या होता है, मीटियोराइड में भी सेम चीज होती है, ये भी डस्ट होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये भी आइस होती है। कॉमेट में क्या होता है, कॉमेट एक स्पेशल टाइप का एस्ट्रॉयड आप बोल सकते हैं, जो कि सन के चारों चक्कर काट रहा होता है, ये भी डस्ट होता है और ये भी सॉलिड होता है, लेकिन ये आइस नहीं होती, इसमें आइस की परसेंटेज बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो चलिए ठीक है समझ में आ गया, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी को पुच्छल तारा भी बोलते हैं, दिस इज पुच्छल तारा, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रॉयड क्या होती है, एस्ट्रॉयड जो होती है मीटियोरॉयड से रिलेटिवली लार्जर इन साइज होती है, काफी बड़ी होती है, लार्जर इन साइज। मीटियोरॉयड उतना कुछ खास नहीं होता है, मीटियोरॉयड धरती पे हमेशा, अर्थ पे हमेशा गिरते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं बट उतना नहीं, लेकिन एस्ट्रॉयड के कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर एस्ट्रॉयड इनकेस अगर मान लीजिए कि जो होता है अटैक कर जाता है ग्रह पे, किसी प्लैनेट पे, तो उस पूरे प्लैनेट की स्थिति, उस पूरे प्लैनेट की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। तो ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट आप लोगों ने सुना भी होगा कि बेनू एस्ट्रॉयड ये जो है मतलब अर्थ से टकराने की होने वाला है, अर्थ से टकरा सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज, और इसके लिए हम लोगों ने कई सारे भी मतलब तरीके अपनाए हुए हैं, नासा ने कई सारे तरीके अपनाए हुए हैं, टेलीस्कोप वगैरह से देख रहा है। एंड वी हैव सेंट अ सैटेलाइट ओसिरिस रेक्स, ओसिरिस रेक्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है या डिस्कस कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज पास्ट करंट अफेयर्स, तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। अब हम लोग जरा बात करते हैं बेसिक्स के बाद, अब हम लोग जरा बात करते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें एक होता है जैसे 2020 CD3, ये क्या है 2020 CD3, अ न्यू अ मिनी मून बाई नासा, ये डिटेक्ट किया गया है अर्थ का, अर्थ का मिनी मून इसको बोला जा रहा है। वॉट एग्जैक्टली इट इज, इट इज एक्चुअली अ एस्टेरॉयड, ये एक एस्टेरॉयड है। अब इस एस्टेरॉयड का काम क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव अब्सॉर्ब्ड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अर्थ विच दे हैव डब्ड अ मिनी मून और द प्लैनेट सेकेंड मून। एक्चुअल में क्या है, ये एक एस्टेरॉयड है जो कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जिस तरीके से मून रिवॉल्व कर रहा होता है, सिमिलरली ये एस्ट्रॉयड भी उसी तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मून के चारों ओर घूम रहा है, मतलब कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। और इस एस्ट्रॉयड का नाम ही, इस एस्ट्रॉयड का नाम ही रखा गया है 2020, क्योंकि 2020 ईयर में खोजा गया है, CD3 ये खोजा गया है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो ये मून नहीं है, एक सैटेलाइट नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, एक एस्टेरॉयड। अब एस्टेरॉयड है इसका मतलब क्या है कि आज की डेट में तो चलिए ठीक है घूम रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर इफ इट इज गो, इफ इट गोज नियर टू सन और नियर टू मून, तो वहां की मतलब कि उस सन के या उस मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के सहारे ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है, और इस तरीके से ये अर्थ से निकल करके दूसरे प्लैनेट के या दूसरे सैटेलाइट के या सन के चारों ओर ट्रेजेक्ट्री में ये घूम सकता है। यानी ये सैटेलाइट जो होता है, ये एस्ट्रॉयड कभी भी सैटेलाइट नहीं बन सकता अर्थ का, दिस इज नॉट अ परमानेंट ऑब्जेक्ट, और इसीलिए इसको बोला गया है कि नाउ इट इज ऑर्बिटिंग एट अ डिस्टेंस फार्दर फ्रॉम अर्थ, इसीलिए इस तरीके के ऑब्जेक्ट को बोला जाता है टेम्पररी कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट, जो टेम्पररी टाइम के लिए है, परमानेंट नहीं है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब यहां पर देखिए, मैंने आप लोग को बोला है कि अर्थ के ये एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के ये ट्रेजेक्टरी के अंदर में, अर्थ के सैटेलाइट के मून के ट्रेजेक्टरी के अंदर में ये एस्ट्रॉयड जो है वो मूव कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्लियर। दूसरा एक और हमारा करंट अफेयर्स है, दैट इज 2020 AV2, ये भी जो है वो
इसी 2020 ईयर में खोजा गया है, इसीलिए इसका भी नाम रखा गया है 2020 AV2। अब इस AV2 का मतलब क्या है? This is the first asteroid found to orbit entirely within the orbit of Venus, named 2020 AV2 is discovered recently. अब ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, सन के फिर पास में आ जाता है मर्क्यूरी आ जाती है, मर्क्यूरी के पास आ जाता है वीनस, वीनस के फिर बाद में आ जाता है अर्थ। वीनस को बोला जाता है अर्थ का एक ट्विन प्लैनेट, अर्थ के जैसा ही होता है एग्जैक्टली, डिटो सब कुछ सेम है, बस यहां पर क्या है टेम्परेचर काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हो क्या रहा है कि फर्स्ट एस्टेरॉयड फाउंड टू ऑर्बिट इंटायरली विद इन द ऑर्बिट ऑफ वीनस, जिस तरीके से मैंने सन अर्थ के चारों ओर इस तरीके से बताया कि कोई प्लैनेट इस तरीके से, मतलब कोई एक एस्टेरॉयड इस तरीके से घूम रहा है, सिमिलरली वीनस के चारों ओर, वीनस के लिए कोई उपग्रह नहीं होता, वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, क्लियर है? तो वीनस के चारों ओर इस तरीके से ही, सैटेलाइट के तरीके से ही ये एस्टेरॉयड घूम रहा है, जिसका नाम है 2020 AV2। AV2 V से आप याद कर लीजिए कि ये वीनस है, और यहां पर क्या है 2020 CD3। क्लियर हो गया क्या चीज है दोनों में अंतर? सेम है, सब कुछ सेम कंसेप्ट है, A to Z सेम है, बस वीनस की जगह पे आप अर्थ को रख देंगे तो CD3 में बदल जाएगा, और अर्थ की जगह पे वीनस को डाल देंगे तब बन जाएगा AV2। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1998 OR2। ये खोजा गया था 1998 के ईयर में, इसलिए इसका नाम रखा गया है 1998 OR2। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस, नाउ थर्ड वन 1998 OR2। ये एक एस्टेरॉयड है जो कि सन को ऑर्बिट कर रहा है, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, ये वीनस को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन ये वाला भाई साहब तो सन को ही ऑर्बिट कर रहा है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेट कह सकते हैं, बट इट इज एक्चुअली एस्टेरॉयड। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, क्वेश्चन उठ जाता है, थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर देखा जाए तो एस्टेरॉयड के ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। तो एस्टेरॉयड बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ एस्टेरॉयड्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो उन सोलर सिस्टम में कई सारे एस्टेरॉयड, जैसे अभी हम लोगों ने देखा जो पृथ्वी के चारों, अर्थ के चारों चक्कर में काट रहा है, अर्थ के ट्रेजेक्टरी के अंदर में आ रहा है, ये वाला वीनस के ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, ये वाला सन के ट्रेजेक्टरी में आ रहा है। तो अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि लेट अस क्लासिफाई द एस्टेरॉयड, क्लासिफाई कर लेते हैं, और इस तरीके से इन लोगों ने बेसिकली चार पांच तरीके से एस्टेरॉयड को डिवाइड किया, ग्रुपिंग किया, जिसमें पहला बोला गया एथिरस, एथिरस ग्रुप बोला गया। एथिरस ग्रुप का मतलब क्या है? एथिरस ग्रुप का मतलब है कि ये हमारा अगर अर्थ है, और अर्थ के ये चारों ओर अगर घूम रहा है, मतलब अर्थ के सैटेलाइट के ट्रेजेक्टरी के अंदर में अगर कोई एस्टेरॉयड घूम रहा है, उस तरीके के एस्टेरॉयड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एथिरस ग्रुप। क्लियर हो गया एथिरस ग्रुप का मतलब क्या है? सेम वैसे ही वतीरा ग्रुप होता है। वतीरा क्या होती है? वतीरा जिस तरीके से अर्थ है, अर्थ की जगह पे आप वीनस को डाल दीजिए और अतीरा की जगह पे वतीरा डाल दीजिए, काम खत्म हो गया। तो अतीरा वतीरा बोथ आर सेम नेचर, अतीरा में बस सेंटर में अर्थ रहेगा, वतीरा में सेंटर में वीनस रहेगा। नेक्स्ट आती है अतेन और अमोर, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिटेल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर नेचर के ही होते हैं, थोड़ी मोड़ी डिफरेंसेस होती है, बट अगेन दिस इज नॉट मच रिलेवेंट फॉर अस। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, क्योंकि ट्रेजेक्टरी के ही बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं दिस इज सन, यहां पर हमारी मर्क्यूरी हो जा रही है, यहां पर हमारा वीनस हो जा रहा है, यहां पर हमारा अर्थ हो जा रहा है। तो अर्थ के अगर ये चारों ओर चक्कर काट रहा था तो हम लोग इसको बोले थे वतीरा, इसके चारों ओर चक्कर काट रहा था तो हम लोग बोलते वतीरा। लेकिन अगर कोई चक्कर इस तरीके से काट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये आपका ना तो अर्थ के चक्कर में आ रहा है ना तो बाहर आ रहा है। अगर मान लीजिए अर्थ के ही चक्कर में, मतलब अर्थ के ट्रेजेक्टरी में ही घूम रहा है, लेकिन ये इस तरीके से घूम रहा है कि ये दूसरे प्लैनेट के भी संपर्क में आ सकता है, इस तरीके के एस्टेरॉयड ग्रुप को बोला जाता है अतेन ग्रुप, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप अमोर ग्रुप। ये दोनों के दोनों ही जो है इस तरीके से ग्रुप ऑफ एस्टेरॉयड बन जाते हैं, अतेन और अमोर, जो अर्थ के ट्रेजेक्टरी के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। और एक होता है जो सन के चारों चक्कर काट रहा है, जैसे इस तरीके से 1998 OR2 हो गया, जैसे कि सन के चारों ओर भी चक्कर काट रहा है और अर्थ के पास भी से होके गुजर रहा है, इसको बोला जाता है अपोलो। अपोलो बेसिकली नाम ही सन से रिलेटेड है, और इस तरीके के एस्टेरॉयड ग्रुप को बोला जाता है अपोलो एस्टेरॉयड ग्रुप। क्लियर हो गया क्या चीज है? ठीक है, लास्ट में एक और आ जाता है अर्जुन। अर्जुन में कुछ खास नहीं है, अर्जुन जो है वो इंडिया वालों ने नाम दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या होती है, जो अर्थ के पास में एस्टेरॉयड होती है उसी को हम लोग अर्जुन बोल देते हैं, अर्जुन एस्टेरॉयड ग्रुप। तो नॉट इंपॉर्टेंट मच, लेकिन ये चीज हम लोगों ने देख लिया। क्लियर हो गया क्या है एस्टेरॉयड के बारे में, हम लोगों ने काफी डिटेल में देख लिया। आगे बात करते हैं, आगे हमारी आती है कुछ करंट अफेयर्स है। वन करंट अफेयर्स रिलेटेड विद रेस प्रोग्राम।
अब ये रेस प्रोग्राम क्या चीज है, रेस के प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं और काफी कुछ और भी है। चलिए पहले रेस से ही शुरू करते हैं। रेस के बारे में अगर बात किया जाए तो इट इज रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। व्हाट इज दिस सोशल रेस्पॉन्सिबल सोशल एम्पावरमेंट? एआई के बारे में सबको पता है कि दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर आप कुछ ऐसी मशीन लर्निंग, कुछ ऐसी कोडिंग कर रहे होते हैं जो कि सेल्फ लर्निंग टूल बन जाती है, मतलब वो खुद से चीजों को सीख रहा होता है। जैसे कि अगर बात करें तो अमेजोन का एक आता है एलेक्सा, तो ये क्या है, एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इंटरनेट बेस्ड फंक्शनिंग कर रही होती है। तो रेस 2020 इज अ काइंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अ ग्लोबल मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ड्राइव इंडियाज विजन एंड रोड मैप फॉर सोशल एम्पावरमेंट इंक्लूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिस्पॉन्सिबल एआई। किया क्या जा रहा है यहां पर, किया यही जा रहा है कि आप ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है जिसके लिए मतलब ये कहा गया है कि अगर इस एआई का यूज अगर हम लोग सोशल एम्पावरमेंट के लिए करते हैं तो हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ही सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, एक जगह पे इकट्ठा किया। इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिशिया। तो दोनों लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे। इस मीटिंग में कहा क्या गया, इस मीटिंग में आइडियाज का एक्सचेंज हुआ और कहा गया कि सोशल एम्पावरमेंट का तरीका ढूंढ लीजिए, हेल्थ केयर का तरीका ढूंढ सकते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर का तरीका ढूंढ सकते हैं, एजुकेशन का तरीका ढूंढ सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ स्मार्ट मोबिलिटी को लेकर के भी तरीके ढूंढ सकते हैं जो एआई बेस्ड रहेंगे और समाज के, सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली ये रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक मीटिंग ऐसी ऑर्गेनाइज की गई थी, ये एक समिट इस तरीके का ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर रिस्पॉन्सिबल एआई मैकेनिज्म के बारे में चर्चा की गई और सोशल एम्पावरमेंट के लिए किया गया। तो अगर मान लीजिए कल को क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके का एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में, जो कि पूरा का पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, सोशल एम्पावरमेंट के लिए अर्थ रिस्पॉन्सिबल एआई लॉन्च करने की बात कही गई है। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा देखिए करंट अफेयर्स है, दिस इज रिलेटेड विद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल। अब ये क्या चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस पोर्टल का मतलब इनिशिएशन किया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। हो क्या रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट ग्रुप ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं लेकिन उनको या तो लाइसेंस नहीं मिल पा रहा होता है या उनकी कोई फाइल कहीं दबी रह जाती है या कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है जिसके कारण से प्रोजेक्ट रुक जाता है। अब बड़े प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि अगर वो रुक रहे हैं तो सीधी सी बात है उनमें काफी ज्यादा लॉस आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से होता क्या है कि काफी मतलब प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती हैं। अब हो क्या रहा है कि यहां पर एक संस्था है इन्वेस्ट इंडिया, ये संस्था मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिल करके ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इट इज द पोर्टल फॉर द रिव्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल, इसको रिव्यू किया जाएगा। लेकिन इसके लिए सबके सब अप्लीकेबल नहीं होंगे, सारे लोग एलिजिबल नहीं बनेंगे, केवल और केवल ऐसे लोग जिसमें इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ या उससे ऊपर की है वही केवल और केवल पीएमजी असिस्टेंस के लिए रहेगा। एंड द पोर्टल विल बी असिस्टेड बाई इन्वेस्ट इंडिया जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अभी यह बात किया, और बॉडी के बारे में मैंने आप लोगों को बोला ये कि मैं लास्ट में एक वीडियो दे दूंगा जिससे आपको पूरी की पूरी बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। विच प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशनल सपोर्ट इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग ऑफ द इश्यूज ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट की प्रॉब्लम आ रही है लाइसेंस रिलेटेड या कहीं पर भी स्टक हुआ है कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसके लिए इस तरह का काम कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स आती है, थर्ड करंट अफेयर्स, दैट इज ईज से रिलेटेड। ईज का मतलब इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ध्यान में आपको यह रखना है कि इस ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग, बैंकिंग बेसिकली है। क्लियर है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो सीधे यही पूछते हैं कि बताइए ये किससे रिलेटेड है। तो आपको डिटेल बहुत सारी चीजें आप पढ़ करके जा रहे होंगे बट वहां पर सीधे सीधे पूछ देगा भाई बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे, नहीं पता रहेगा तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होती है इसकी बैंकिंग है, ये पहले तो आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में आते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने इस ईज 3.0 को लॉन्च किया है जो कि टेक इनेबल्ड बैंकिंग के बारे में बात करता है। इसमें हो क्या रहा है, इट विल प्रोवाइड स्मार्ट टेक्नेबल टेक इनेबल्ड पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर एस्पायरिंग इंडिया बाय एस्टैब्लिशिंग पेपरलेस एंड डिजिटल इनेबल्ड बैंकिंग एट प्लेस वेयर पीपल विजिट द मोस्ट। जैसे जितनी भी जगहों पे, जैसे मान लीजिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा आईसीआईसीआई वाले, एसबीआई वाले, सिटी मॉल वगैरह में जाइए वहां पर अपना जो होता है एक कैनोपी लगा करके बैठे रहते हैं और आपसे पूछते हैं भाई अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप आइए फटाफट लीजिए और उसके बाद से अपना खरीदारी करना शुरू कर दीजिए, हमको भी पैसा पहुंचाइए।
तो ये तरीका अपनाया जाता है। अब इसी को और ज्यादा ब्रॉड लेवल पे करने की बात कही जा रही है ईज 3.0 में, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल और पेपरलेस तरीके से कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। इसमें कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें एक तरीका जिसको बोला गया पाम बैंकिंग, जहां पर एंड टू एंड फाइनेंशियल सर्विस या जितनी भी चीजें रहेंगी सब के सब डिजिटल मोड में प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब अगर आपको बैंक अकाउंट भी ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, फोन करेंगे, फटाफट जो बैंक वाला बंदा रहेगा या कह लीजिए कि जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट रहेगा वो तुरंत आपके घर पे पहुंच जाएगा, अपना एक टैबलेट लेकर के फटाफट आपका फोटो खींचेगा, आपका पैन कार्ड का डिटेल लेगा, उसकी फोटो खींच खाच करके आपका पोर्टल पे लॉन्च कर देगा, तुरंत आपको हाथों हाथ जो है आपका एटीएम कार्ड हो गया, आपका जो भी चेकबुक हो गया या पासबुक हो गया, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सारा का सारा दे देगा और फटाफट आपकी सारी की सारी एक्टिविटी को डिजिटल तरीके से लॉन्च कर देगा। एक तो फास्ट मोड हो गया, पेपरलेस हो गया और कन्वीनियंट हो गया, तो काफी अच्छी चीज है जो बैंकिंग इस तरीके से लॉन्च करने की बात कही जा रही है। दूसरा है बैंकिंग ऑन गो। अब ये बैंकिंग ऑन गो क्या है, दीज आर ईज बैंकिंग आउटलेट एट फ्रीक्वेंटली विजिटेड स्पॉट लाइक मॉल, सिटीजन। तो जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जहां पर काफी ज्यादा गैदरिंग होती है वहां पर लोग आएंगे, बैंकिंग वगैरह के बारे में देख सकते हैं और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटाइजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांचेस। तो बेसिकली क्या है, इसको पब्लिक सेक्टर के जितने भी ब्रांचेस वगैरह हैं उनका पब्लिक एरिया में देखा जा रहा है कि क्या एक्सपीरियंस डिजिटाइज किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए आप क्या करेंगे, फोन करेंगे, फटाफट बंदा बैंक का आपके घर आ जाएगा और डिजिटल वे में सारे पेपर करके पेपर वर्क करके आपको फटाफट लोन सैंक्शन करा देगा। तो ये पूरा तरीका अपनाया गया है जो कि हम लोगों ने डिटेल में देखा, हालांकि इतना डिटेल जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल ध्यान रखिए कि ये बैंकिंग एक्टिविटी है। डिटेल में हम लोग इतना ज्यादा इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हम लोग को बेसिकली मेंस का फोकस कर रहे हैं, हम लोग मेंस की फोकस कर रहे हैं, मेंस में आपको ये सारी चीज अगर आप लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे। आगे बात करते हैं, आगे हमारा आता है नेक्स्ट हेल्थ के बारे में। दिस इज अगेन रिपीटेटिव, ये रिपीट हो गया है, ये आपको काम करेंगे। हेल्थ के बारे में अगर देखते हैं तो हेल्थ में देखिए अभी फिलहाल पिगमेंट्री डिसऑर्डर को लेकर के एक करंट अफेयर्स आई है। पिगमेंट्री डिसऑर्डर, पिगमेंट क्या होती है, तो कई लोग के हाथ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके के पिगमेंटेशन आपको नॉर्मल नहीं दिख रही होती है, एक कलर नहीं दिख रहा होता, अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, दिस इज फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन इज अ क्रिटिकल डिफेंस मैकेनिज्म बाय विच स्किन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशन। होता क्या है, यहाँ पर हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती है जिसके कारण से जो स्किन है वो अपना कलर चेंज कर देती है और ये कलर चेंज करना बेसिकली इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका होता है, तो इसी को बुलाता है पिगमेंट्री डिसऑर्डर। लेकिन इस पिगमेंट्री डिसऑर्डर का देखिए कोई इलाज नहीं है और इस वजह से किया क्या गया है कि इनको फंड दिया गया है, फंड प्रोवाइड किया गया है कि भैया लो रिसर्च करो, दवा ढूंढो। तो इसके लिए यही कहा गया कि इनइफिशियंट पिगमेंटेशन प्री डिस्पोजेस टू स्किन कैंसर, दिस कैन लीड टू स्किन कैंसर, ओके, तो विच आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर एसोसिएटेड डेथ वर्ल्ड वाइड। क्लियर हो गया। इनफैक्ट हम लोग डिस्कस भी करेंगे, एक डिसीज है, वायरल डिसीज है जिसके कारण से कैंसर प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करके दिखाता हूँ। क्लियर है। इसके वही आपको पैसा दिया गया है, 3.6 करोड़ रुपए दिया गया है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो कि फरीदाबाद में है और कहा गया है कि रिसर्च करिए क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। क्लियर हो गया। ओके नाउ अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज है हमारी। इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहली जो इंटरनेशनल न्यूज है वो है श्रीलंका गवर्नमेंट के बारे में। फिलहाल क्या हुआ है, श्रीलंका गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम UNRC, एक्चुअली UNHRC है ये, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन है, तो रेजोल्यूशन विद रिगार्ड टू प्रमोटिंग रिकंसिलिएशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। हुआ क्या है कि UNHRC से ये श्रीलंका गवर्नमेंट अपने आप को विदड्रॉ करने की बात कह रहा है। UNHRC के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस किया जाए तो इट इज ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि पेरिस कन्वेंशन से बेसिकली बनी है, तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज बेसिकली पेरिस कन्वेंशन और इसी पेरिस कन्वेंशन के बेसिस पे हम लोगों ने अपने कंट्री में भी सेंट्रल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की हुई है और स्टेट लेवल पे हम लोगों ने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में स्थापना की हुई है और ये इस तरीके से काम कर रहा होता है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि 2006 में एस्टैब्लिश किया गया, एक्चुअल में क्या था कि इससे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ली पहले इससे पहले एक संस्था हुआ करती थी और वो ह्यूमन राइट को देख रही होती थी, लेकिन उसके ऊपर लगातार एक एलिगेशन लगता रहता था कि वो कंट्रीज के ऊपर जो होता है फेवर कर रही है, कुछ कंट्रीज के फेवर में बोल रही है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है फिर भी वो मेंबर बनी हुई है, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगता रहता था। सिमिलर एलिगेशन फिलहाल UNHRC के ऊपर भी लगना शुरू हो गया है, खैर उसमें हम लोग को नहीं जाना है, दैट इज द पॉलिटिक्स। यहाँ पर क्या है, मेंबर नेशन जो होते हैं 47 नेशन के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हर कॉन्टिनेंट से होते हैं,
मतलब अगर हम लोग देखें तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका का भी मेंबर होगा, मिडिल अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका का भी मेंबर होगा, साउथ अमेरिका का भी मेंबर होगा, यूरोप के भी मेंबर होंगे, एशिया के भी मेंबर होंगे, ठीक है, अफ्रीका के भी मेंबर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी मेंबर होंगे। तो यह कोशिश ये की जाती है यहां पर कि हर एक एरिया हर एक जोन से मेंबर जरूर हो। इसमें हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो दिस इज द करंट अफेयर्स रिलेटेड विद यूएनएचआरसी। इसके अलावा एक और करंट अफेयर्स हमारी है, दैट इज लेस्बोस। अब जैसे देखिए ग्रीक के बारे में आप लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, 2017 के दौरान में इसमें काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखी है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम इस समय चल रही है, हालांकि अब ये थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लोग बेघर हो चुके थे, लोगों के पास इंप्लॉयमेंट नहीं था, 80% से ज्यादा यूथ जो थे वो सिचुएशन उनकी बहुत खराब थी, तो बहुत दिक्कत वाली चीज थी। इकोनॉमिक्स में हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे ग्रीक की प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल लेस्बोस की अगर बारे में बात करते हैं, देखिए जैसे ग्रीक मान लेते हैं ये कंट्री है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं, कोस्टल एरिया में हैं। इसी तरीके से लेस्बोस भी एक तरीके का आइलैंड ही है जो ग्रीक के सॉवरेनिटी के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग मिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन एजियन सी के पास में, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा कहां पर है, आप लोग एटलस खोल करके तुरंत मार्क कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए न्यूज में क्यों रहा है, एक्चुअल में हुआ क्या है कि सीरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आईसिस की, सबको पता ही है, और यहां सीरिया से इस लेस्बोस पे माइग्रेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि टर्की ने फिलहाल एक वार्निंग दे दी है कि हम गेट ओपन कर सकते हैं, तो इस कारण से लेस्बोस जो है वो न्यूज में आया है। तो खैर आपको बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट जानने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दोहा पैक्ट। अब देखिए दोहा को लेकर के काफी ज्यादा लोगों को में दिक्कत हो जाती है, जैसे एक है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा DDA, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, लेकिन वो डिफरेंट है, ये WTO की नॉर्म है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। फिलहाल अभी दोहा पैक्ट अलग है। दोहा आप लोगों से क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वेयर इज दोहा, दोहा है कहां पे आखिर में, किस कॉन्टिनेंट, किस नेशन, किसकी क्या है राजधानी है कि कैपिटल, क्या चीज है ये, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या चीज है। दोहा के बारे में बात करते हैं, दोहा पैक्ट फिलहाल में क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में जो कि यूएस की आर्मी बहुत दिन से टिकी हुई है, ये अब लोग वापस जाने की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब हम लोग निकलते हैं। तो अब बेसिकली क्या हुआ है, अफगानिस्तान में जो दो कह लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब कि दो, एक रिबेलियन ग्रुप है और एक जो कि गवर्नमेंट है, यहां पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हो जाती है, दूसरी हो जाती है जो तालिबान हो जाती है, और एक तीसरी है जो यूएस की मिलिट्री है। इन दोनों के चक्कर में यूएस की मिलिट्री ही खुद ही परेशान हो रखी है। अब ये धीरे धीरे वन बाय वन करके ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। द पैक्ट इज साइंड बिटवीन इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएस एज ए स्टेट नोन एज तालिबान एंड द यूएस। तो तालिबान और यूएस के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा और अगर डिस्कस किया जाए कि इंडिया ने वेलकम किया, ये वाली जो एग्रीमेंट हुई है इंडिया ने इसलिए वेलकम किया क्योंकि इंडिया सोचता है कि आगे जाकर के पीस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब तालिबान यूएस की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में एक कंसिलिएशन हो जाए, एक सहमति हो जाए, तो काफी जरूरी है। तालिबान ने इस एग्रीमेंट के बाद में कमिटमेंट किया है कि इट विल नॉट अलाउ एनी ऑफ इट्स मेंबर अदर इंडिविजुअल और ग्रुप इंक्लूडिंग अल कायदा टू यूज अफगानिस्तान टू थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ यूएस एंड इट्स एलाइज। तो ये कभी भी यूएस के एलाइज, एक्चुअल में क्या हुआ है, तालिबान इज गोइंग टू गवर्न द कंट्री इन नियर फ्यूचर, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से तालिबान को ये बोला गया कि यार देखो ऐसा है कि हमारे खुद की कंट्री या हमारी एलाई कंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी बंदा आता है या अगर कोई भी चीज की जाती है तो तुम हमको मत डराना, वापस से हमारे यहां पर अटैक मत करवा देना जिस तरीके से जो होता है हमारी बिल्डिंग को गिराए हुए, तो ये सारा काम मत करना। तो ये तालिबान ने कमिटमेंट की हुई है। इसके अलावा सैंक्शंस रिमूवल के लिए यूनियन नेशन जो सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शंस भी जल्दी धीरे धीरे करके रिमूव कर दिए जाएंगे, ऐसा यूएस ने इनको श्योरिटी दी है। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस करंट अफेयर्स। आज के लिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रॉम देयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।